हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 28 फरवरी, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में, आप हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ करके हमें सर्च कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी, आज के दिन ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड जो थीम रखा गया है फॉर दिस ईयर 2020, वुमेन इन साइंस, थीम भी आपको याद रखना है एंड डेट भी आपको याद रखनी है, 28 फरवरी। ओके, कुछ डिटेल्स देखते हैं। 28 फरवरी 1928 यानी कि 1928 में हमारे जो सर सीवी रमन जी ने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। ओके, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को मार्क करते हुए नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस डिस्कवरी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन फिज़िक्स। ओके, तो इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 28 फरवरी को। एग्जैक्ट डेट याद रखना कब डिस्कवरी की थी, 28 फरवरी 1928 में। ओके, रमन स्कैटरिंग और द रमन इफेक्ट इज़ बेसिकली इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय मैटर, मीनिंग डैट देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड चेंज इन द लाइट डायरेक्शन, जिसकी खोजना की थी, आविष्कार किया था सर सीवी रमन, जिसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। ओके, 28 फरवरी एंड थीम वुमेन इन साइंस, याद रखेगा। सेकेंड है जी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। तो किसे अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जावेद अशरफ। जावेद अशरफ जी को अपॉइंट किया गया। एंड ये सक्सीड किसको करेंगे, ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, विनय मोहन कात्रा। ओके, और विनय मोहन कात्रा से तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, इन्हें तो अपॉइंट कर दिया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल। एग्जैक्टली, वो भी आपको याद रखना है। एंड तरनजीत सिंह सिंधु, इन्हें तो अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, एंड गोपाल बागले, इन्हें अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू, इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जावेद अशरफ। ओके, देखो एक चीज़ और, आपको हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, हमें हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, देन श्योरली आपको हमें सपोर्ट भी ज़रूर करना है। एंड हमें काफ़ी ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आपने एंड इसको शेयर करना। एंड आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। ओके, एंड अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट्स नॉट ईजी फॉर मी। सो प्लीज़ आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना। एंड लाइक टारगेट 1000, ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अचीव दिस, आई डोंट नो व्हाई। सो प्लीज़ आज वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपने। ओके, देन नेक्स्ट है द एयरफोर्स एक्सरसाइज इंद्रधनुष इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन कंडक्ट की जाती है, दिस इज़ द 5th edition। एंड इस बारी जो कंडक्ट की जा रही है वो की जा रही है यूपी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दिस इज़ एयरफोर्स एक्सरसाइज। ओके, अभी आपको याद होगा अजय वारियर, वो एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई थी, वो भी इंडिया एंड यूके के बिटवीन की गई थी, वो मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ओके, वो आपको याद रखना है। एंड इसमें यूके इज़ द करेक्ट आंसर, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, याद रखिएगा। 5th edition है, रॉयल एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के बिटवीन कंडक्ट की जा रही है। ओके, रॉयल एयरफोर्स यानी कि यूके की एयरफोर्स। एयरफोर्स के बारे में, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। एंड इसके बाद यूके के बारे में, यूके की कैपिटल लंदन एंड इसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। एंड यूके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज यूके के लाइक अभी अपॉइंट किए गए ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के यूके में, होम मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल, वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो यूके इज़ द करेक्ट आंसर। यूके द फर्स्ट कंट्री बना था जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। देन मारिया शारापोवा अनाउंसर्स रिटायरमेंट, तो ये आपको बताने की कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। ओके, 5-time ग्रैंड स्लैम विनर मारिया शारापोवा, शी इज़ रिलेटेड टू टेनिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्रीज हैं जी, हैं जी रशिया की। ओके, ये पिक्चर आपके सामने। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ऑफ सिबल। सिबल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ओके, तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार। ओके, सिबिल आपको बताना है
बैंकिंग सेक्टर में या फिर आप कभी भी कुछ लोन लेने जाते हो, कहीं भी अप्लाई करते हो, तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है बैंकिंग सेक्टर में, आप किस तरह से कर रहे हो, अपना लोन कितने टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन कितने टाइम पे चुका रहे हो. ओके, तो ये सारी चीज़ें सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग ही देखी जाती हैं. इसके न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए राजेश कुमार. ओके, एंड इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में, एंड इसके एस्टैब्लिशमेंट 2000 में हुई थी, एग्जैक्टली 2000 में. देन इसको फेमस नासा मैथमेटिशियन कैथरीन जॉनसन पास अवे. ओके, 101 साल की उम्र में, 101 की एज में इनका निधन हो गया. एंड नासा की ये लाइक मैथमेटिशियन थी जिनका भी निधन हो गया. ओके, इन्हें प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन 2015. ओके, नासा से रिटायर हुई थी 1986 में कैथरीन जॉनसन. ओके, तो नाम याद रखिएगा. बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एजेंसी नासा, ठीक है, स्पेस एजेंसी नासा, एंड इसके एस्टैब्लिशमेंट 29 जुलाई 1958, एंड जिम ब्रैडिनस्टाइन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं. ओके, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरी है भी आपके लिए, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो. ये पिक्चर भी आ गई आपके सामने. देन आरबीआई अलाउ बंधन बैंक टू ओपन न्यू ब्रांच विदाउट प्रियर परमिशन. ओके, देखो इनको परमिशन लेने के बिना ही अब ये लाइक अपनी खोल सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं आरबीआई की परमिशन के बिना, ठीक है. अब एक्चुअली क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अराउंड 2 साल पहले 28 सितंबर 2018 को लाइक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इनके लाइक इस बैंक को ये जो परमिशंस थी इस पे लाइक एक्स्ट्रा ब्रांचेस खोलने की परमिशन नहीं दी थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. एंड इसके जो MD एंड CEO थे चंद्रशेखर घोष, उनकी सैलरी को भी फ्रीज करने का ऑर्डर दिया था. ओके, एंड रीज़न क्या है कि फॉर नॉट फुलफिलिंग द शेयर होल्डिंग रूल्स एज पर द RBI डायरेक्शंस. ओके, सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करने की वजह से RBI ने इन पर प्रतिबंध लगाया था, इन सिंपल वे में समझो, ठीक है, 28 सितंबर 2018 में. बट अब वो प्रतिबंध हटा दिया, अब इनको कहा कि आप अपने जो न्यू ब्रांचेस खोलोगे वो लगभग 25% जो आप ब्रांचेस खोलने वाले हो वो आपको रूरल एरियाज में खोलने हैं जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स लाइक बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. ओके, तो आपको याद रखना है, अब जो आप सिंपल याद रखो, बंधन बैंक को परमिशन मिल गई है, ठीक है. देन उसके बाद बंधन बैंक के बारे में, चंद्रशेखर घोष इसके MD एंड CEO हैं, स्थापना 23 अगस्त 2015 में, हेडक्वार्टर्स कोलकाता बंगाल में, एंड इसकी टैग लाइन है आपका भला सबकी भलाई. ओके, देन मास्टर कार्ड CEO अजय बांगा टू स्टेप डाउन. अजय बांगा स्टेप डाउन करने वाले हैं. ओके, मास्टर कार्ड CEO अजय बांगा विल स्टेप डाउन एट स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ओके, एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय, अगले साल स्टेप डाउन करेंगे. ओके, अभी टाइम है. एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर माइकल माईबैग. ओके, बांगा बने थे CEO अप्रैल 2010 में. ओके, एंड विल बिकम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. माईबैग विल टेक ओवर एज द कंपनीज प्रेजिडेंट ऑन March 1st. ओके, एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको इसमें याद रखें, नाम आप याद रखिएगा, अजय बांगा मास्टर कार्ड के CEO. ओके, जो स्टेप डाउन करेंगे. प्रेजिडेंट कौन है, पुरुष सिंह. ओके, पुरुष सिंह याद रखना आपने. एंड इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क USA में. ओके, ये पिक्चर भी आ गई अजय बांगा की. ओके, इसरो हैज़ शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT, ठीक है, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश से. कौन सी डेट को इसे लॉन्च करने की लाइक इसरो ने डिसाइड किया. ओके, तो ये लॉन्च की जाएगी 5 मार्च 2020 में. ओके, तो याद रखना 5 मार्च को इसको लॉन्च करेंगे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, इसरो इसे लॉन्च करेगी. ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, चेयरमैन के शिवान. ओके, GISAT. देन उसके बाद इंडिया एंड US साइन डिफेंस डील वॉट 3 बिलियन. तो आपस में जो समझौते हुए $3 बिलियन के, ठीक है, इसमें इंडिया विल बाय 24 MH रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन ऑफ US इंडियन नेवी. देन उसके बाद फॉर इंडियन नेवी के लिए खरीदेंगे अनदर कंट्रैक्ट टू एक्वायर 6 AH-64 Apache हेलीकॉप्टर्स फॉर 8800 मिलियन फ्रॉम एरोस्पेस बोइंग हैज़ ऑल्सो बीन सील्ड. यानी कि ये कुछ समझौते हुए, ठीक है, बट अभी आपको पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे हमारी कंट्री में, तो ये सारे समझौते हुए लगभग $3 बिलियन के. ओके, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, याद रखना आपने. तो उसके बाद ऑन विच डे फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक डे इज ऑब्जर्व्ड. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व की गई अभी हाल ही में फर्स्ट एनिवर्सरी, तो
26 फरवरी ओके याद रखना है 26 फरवरी को हमने लाइक जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने अटैक किया था ठीक है टेररिस्ट कैंप्स ऑफ पाकिस्तान बालाकोट सेक्टर में, तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हो चुकी है। वेल ये ऐसी न्यूज़ तो नहीं क्वेश्चन शेयर करने वाला नहीं था, बट स्टिल शेयर किया क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, 40 से ज़्यादा जवान की जान चली गई थी ठीक है, तो उसी का बदला था, तो 26 फरवरी को हमने लिया था ओके। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट जॉइंड हैंड विद विच बैंक टू ट्रेन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन टू फाइंड जॉब इन बैंकिंग सेक्टर, तो किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का समझौता हुआ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को मदद करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब लेने के लिए, तो आपको बैंक का बताना है ओके। सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, वीडियो क्लियर है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना आपने इसको, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करना ओके। देखो 100K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था मेरा 1 फरवरी तक का था, बट वी आर नॉट एबल टू अचीव, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो स्टिल आप हमारी हेल्प ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, एंड 100K सब्सक्राइबर्स का जो हमारा टारगेट है वी होप कि हम इसे जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।